टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, वैसे भी गैल्वेनोमीटर आ गया, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इसलिए इसका नाम टेंजेंट है क्योंकि एक लॉ फॉलो करता है जिसको टेंजेंट लॉ बोलते हैं। टेंजेंट लॉ क्या चीज़ है उसको समझाता हूँ। टेंजेंट लॉ समझने के लिए ये फिगर है, ये फिगर आपको ऐसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, ये पता नहीं क्या किया हुआ है। इस फिगर को पहले तो ये समझो, ये फिगर में मैग्नेट ऐसे नहीं है, आपको ऐसी नहीं है, इतनी बड़ी गिवन तो है, इतनी बड़ी मैग्नेट ऐसी नहीं है, ये ऐसी है और टॉप व्यू में ऐसे घूम रही है और इसकी फोटो खींच के ऐसे लगा रखी है, तो ये टेबल का टॉप व्यू है। काम तो टेबल पे है, मैग्नेट तो टेबल में घूम रही है, लेकिन ऐसे देखा जा रहा है इसे, तो हमें स्टडी करते हुए लगता है शायद ये वर्टिकल सर्कल है, बिल्कुल भी नहीं, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है। पहला पॉइंट क्लियर है, आधी समस्या तो यही है फिजिक्स में, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल, क्योंकि अगर ये इमेजिन नहीं कर पा रहे तो क्वेश्चन सारी गलत है। और ये प्रॉब्लम सर्कुलर से स्टार्ट हो जाती है, यहीं से नहीं, लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट होती है, वर्टिकल की सर्कल, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये पहली चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। अब कॉमन सेंस की बात है, सिंपल, आपने ये किया हुआ है कि जब भी एक बार मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो, इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, वो घूमता है। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हो, एम बी साइन थीटा भी बोल सकते हो, ये हमने किया हुआ है। अब इमेजिन करो एक मिनट के लिए कि सपोज एच, मान लो अर्थ का फील्ड है, यहाँ पे अर्थ का फील्ड हमने किया था अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर, अर्थ की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो कैसी भी आ सकती हैं। तो अगर मैं एक मैग्नेटिक नीडल को 3D में घुमाऊं, तो अगर फील्ड यहां जा रहा है तो नीडल ऐसी हो जाएगी, ऐसी है, पर ज़्यादातर 3D में हम करते नहीं, हम 2D मैग्नेटिक नीडल लेते हैं, 2D में ऐसे घूमती है, आपकी जो मैग्नेटिक कंपास है वो ऐसी घूमती है, वो ऐसे नहीं जाती, वो ऐसी घूमेगी बस, 2D में ऐसी है। तो ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे घूम रही है, आपकी जो मोबाइल की एप्स हैं वो भी 2D है, आप चेक करो, वो भी ऐसी घूमती है, नॉर्थ साउथ बताती है, ठीक। अब इमेजिन करो कि जब मैंने इसको ऐसे टांग दिया धागे के साथ और ये ऐसे हो गई, ऐसे का मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है उसको, इस तरफ अर्थ का क्या दिख रहा है जो यहां अलाइन हो गई, एच, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्यों, हमने अर्थ मैग्नेटिज्म में किया था कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है और इसके दो कंपोनेंट हैं, एक हॉरिजॉन्टल है और एक जमीन के अंदर वर्टिकल है, किया था, और वर्टिकल कंपोनेंट में हम काम नहीं करते, हम हॉरिजॉन्टल में करते हैं। तो मान लो अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड वो इधर है, अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर फील्ड ऐसे जा रहा है, अर्थ का, अर्थ इज अ मैग्नेट, तो ये मैग्नेट भी अलाउड तो है नहीं नीचे जाने के लिए, 3D में अलाउड नहीं, 2D में अलाउड है, तो ऐसे अलाइन हो गई, अर्थ के फील्ड एच के साथ अलाइन हो जाती है मैग्नेट हमेशा, क्लियर है यहाँ तक, सही है। तो ये रेस्ट पे आ गई, तुमने क्या किया, एक फील्ड यहाँ लगा दिया, एफ या बी कुछ भी, यहाँ भी लगा दिया, अब मैग्नेट कन्फ्यूज हो गई, मैग्नेट अगर ये फील्ड नहीं था तो आराम से एच के साथ लेटी हुई है, लेकिन अब क्या, तुमने यहाँ एफ लगा दिया, अब मैग्नेट चली एफ के साथ, एच कह रहे मेरे साथ अलाइन हो जा, एफ कह रहे फील्ड मेरे साथ अलाइन हो जा, अब जो फील्ड स्ट्रांग है उसके साथ अलाइन हो जाएगी, अब बीच में फंस गई, अब एच और एफ के कहीं बीच में अटक जाएगी और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। क्यों, क्योंकि एच फील्ड के अंदर ये मैग्नेटिक डायपोल है, इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, और एफ फील्ड के अंदर भी ये मैग्नेट है, इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, तो ये फील्ड कहेगा टॉर्क इधर लग जाए, ये फील्ड कहेगा टॉर्क इधर लग जाए, बीच में अटक गई और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, क्योंकि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, वहीं अटक जाएगी। यही तो हो रहा है, देखो डायग्राम में, ये रहा आपका एच, अर्थ का फील्ड एच, ये रहा आपका एफ जो आपने अप्लाई किया एक्सटर्नल, और मैग्नेट ना एच के साथ ना एफ के साथ यहां पे अटक गई, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद एच। याद रखना यहां एंगल किसके साथ बनता है, एच के साथ, तुमने अर्थ का फील्ड उसको छोड़ना पड़ गया और ये इक्विलिब्रियम में आ गई। ये इक्विलिब्रियम में इसलिए आई क्योंकि हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स, अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, फोर्स बाय चार्ज, फोर्स क्या होता है, क्यू इनटू ई, मैग्नेटिज्म में ई की जगह क्या होता है, बी एफ, और क्यू की जगह होता है मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ, तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, एम इन टू बी, याद करो हमने ये डेरिवेशन के अंदर भी किया था, एम इन टू बी। तो इसका मतलब अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ एम है और फील्ड एफ इधर है, तो यहां पर एक फोर्स है एम एफ, यहां एक फोर्स है एम एफ,
जो इसे कैसे घुमाने की कोशिश करेगी, क्लॉकवाइज, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। उसी तरीके से एच फील्ड भी यहां पर फोर्स लगाएगा एम एच, और एक लगाएगा एम एच, और इसे कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल हो जाए तो मैग्नेट थीटा एंगल पे अटक जाएगी। तो यही तो कर रहा हूं, ये देखो इसके अंदर क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है, एम एफ कितना टॉर्क जनरेट करेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में कितना है एन ए, तो एम एफ इंटू एन ए। और ऐसे ही एम एच के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एस ए, तो एम एच इंटू एस ए। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क वाई क्लॉकवाइज टॉर्क को इक्वेट करके तो एफ की वैल्यू क्या आ गई, एच इंटू एस ए बाई एन ए। और इस ट्राइंगल में चेक कर लो टेन थीटा क्या है, एस ए बाई एन ए, तो इसकी जगह टेन थीटा। ये डेरिवेशन नहीं करनी, बस ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, फॉर्मूला रजिस्टर में बस ये नोट कर लें कि अगर आपके पास एक फील्ड है एच, एक फील्ड है एफ, ये रही आपकी मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेट है जिसने एच के साथ एंगल थीटा बनाया और ये इक्विलिब्रियम में है, मूव नहीं कर रही, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। और थीटा एंगल एच के साथ बनता है, ये याद रखना, एच के साथ।